लाइब्रेरी में रखी गई किताबों को जलाने का, ये देश का अमूल्य ज्ञान की विरासत को जलाते समय सरकार किसकी थी? जब मणिपुर में मंदिर की घंटी शाम को 4 बजे बंद हो जाती थी, ताले लग जाते थे, पूजा अर्चन करना बड़ा मुश्किल हो जाता था, सेना का पहरा लगाना पड़ता था, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, जब इम्फाल के इस्कॉन मंदिर पर बम फेंककर श्रद्धालुओं की जान ले ली गई थी, तब मणिपुर में सरकार किसकी थी? जब अफसर, हाल देखिए, आईएएस आईपीएस अफसर, उनको अगर वहां पर काम करना है तो उनके तनख्वाह का एक हिस्सा उनको इन उग्रवादी लोगों को देना पड़ता था, तब जाकर के वो रह पाते थे, तब सरकार किसकी थी? आदरणीय अध्यक्ष जी, इनकी पीड़ा सिलेक्टिव है, इनकी संवेदनाएं सिलेक्टिव है, इनका सब बातचीत राजनीति से शुरू होती है और राजनीति से आगे बढ़ती है। वे राजनीति के दायरे से बाहर से न मानवता के लिए सोच सकते हैं, न देश के लिए सोच सकते हैं, न ही देश की इन कठिनाइयों के लिए सोच सकते हैं। उनको सिर्फ राजनीति के सिवा कुछ सोचता नहीं है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मणिपुर में जो सरकार है वो पिछले 6 साल से इन समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए लगातार कोशिश, समर्पित भाव से कोशिश कर रही है। बंद और ब्लॉकेड का जमाना कोई भूल नहीं सकता है। मणिपुर में आए दिन बंद और ब्लॉकेड होता था, वो आज बीते दिन की बात हो चुकी है। शांति स्थापना के लिए हर एक को साथ लेकर चलने के लिए एक विश्वास जगाने का प्रयास निरंतर हो रहा है, आगे भी होगा। और जितना ज्यादा हम राजनीति को दूर रखेंगे उतनी शांति निकट आएगी, ये मैं देशवासियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष जी, हमारे लिए नॉर्थ ईस्ट आज भले हमें दूर लगता हो, लेकिन जिस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया का विकास हो रहा है, जिस प्रकार से आसियान देशों में का महत्व बढ़ रहा है, वो दिन दूर नहीं होगा हमारे ईस्ट की इस प्रगति के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट वैश्विक दृष्टि से सेंटर पॉइंट बनने वाला है। और मैं ये देख रहा हूं, और इसलिए मैं पूरी ताकत से आज नॉर्थ ईस्ट की प्रगति के लिए कर रहा हूं, वोट के लिए नहीं कर रहा हूं जी। मुझे मालूम है कि करवट लेता हुआ विश्व की नई संरचना किस प्रकार से साउथ ईस्ट एशिया और आसियान कंट्री के अंदर प्रभाव पैदा करने वाली, और तब नॉर्थ ईस्ट का क्या महत्व बढ़ने वाला है, और नॉर्थ ईस्ट की जाहोजलाली गौरव गान फिर से कैसे शुरू होने वाला है, वो मैं देख सकता हूं, और इसलिए मैं लगा। आदरणीय अध्यक्ष जी, और इसीलिए हमारी सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के विकास को पहली प्राथमिकता दी है। पिछले 9 वर्षों लाखों करोड़ रुपए नॉर्थ ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमने लगाए हैं। आज आधुनिक हाईवे, आधुनिक रेलवे, आधुनिक नए एयरपोर्ट, ये नॉर्थ ईस्ट की पहचान बन रहे हैं। आज पहली बार अगरतला रेल कनेक्टिविटी से जुड़ा है, पहली बार मणिपुर में गुड्स ट्रेन पहुंची है, पहली बार नॉर्थ ईस्ट में वंदे भारत जैसी आधुनिक ट्रेन चली है, पहली बार अरुणाचल प्रदेश में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बना है, पहली बार अरुणाचल में सिक्किम जैसे राज्य एयर कनेक्टिविटी से जुड़ा है, पहली बार वाटरवेज के जरिए पूर्वोत्तर इंटरनेशनल ट्रेड का गेटवे बना है, पहली बार नॉर्थ ईस्ट में एम्स जैसा मेडिकल संस्थान खुला है, पहली बार मणिपुर में देश की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खुल रही है, पहली बार मिजोरम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन जैसे संस्था खुल रहे हैं, पहली बार केंद्रीय मंत्रिमंडल में नॉर्थ ईस्ट की इतनी भागीदारी बढ़ी है, पहली बार नागालैंड से एक महिला सांसद राज्यसभा में पहुंची है, पहली बार इतनी बड़ी संख्या में नॉर्थ ईस्ट के लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, पहली बार पूर्वोत्तर से लसित बरफुकन जैसे नायक की झांकी
गणतंत्र दिवस में शामिल हुई है। पहली बार मणिपुर में रानी गाइडिनलू के नाम पर पूर्वोत्तर का पहला ट्राइबल फ्रीडम फाइटर म्यूजियम बना है। आदरणीय अध्यक्ष जी, हम जब सबका साथ सबका विकास कहते हैं, ये हमारे लिए नारा नहीं है, ये हमारे शब्द नहीं है, ये हमारे लिए आर्टिकल ऑफ फेथ है, हमारे लिए कमिटमेंट है और हम देश के लिए निकले हुए लोग हैं। हमने तो कभी जीवन में सोचा ही नहीं था कि कभी ऐसी जगह पर आकर के बैठने का सौभाग्य मिलेगा, लेकिन ये देश की जनता की कृपा है कि उसने हमें अवसर दिया है। तो मैं देश की जनता को विश्वास दिलाता हूं, शरीर का कण कण, समय का पल पल सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए, सिर्फ देशवासियों के लिए।